गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आज हमारा चैप्टर 18 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या करना है हमें, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है। डेटा क्या होता है? रिकॉर्ड। जब भी हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, उसको किस तरीके से, कई तरीके से, सब अपने अपने तरीके से रिकॉर्ड को रखते हैं। कोई कॉलम में बना के रखता है, कोई कंप्यूटर में ऐड करता है, मोबाइल में, अपने अपना तरीका होता है किसी भी चीज़ को, डेटा को सिक्योर करने का। तो आज हम यही सीखेंगे, इसमें बताया गया है, दो तीन तरीके बताए हुए, तो आज हम यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा 14.1 है एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, ये देखिए, यहाँ भी ये डेटा रखा गया है, ये इस तरीके से क्या है इसका, इसको बार ग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बार ग्राफ कहा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है, ये हमारे इधर नंबर्स हो गए, और ये किस किसने पार्टिसिपेट किया है वो हो गए। तो ये भी हमारा एक, इसको किस तरीके से करते हैं, मैं अभी इधर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से कैसे क्वेश्चंस के आंसर हम देते हैं, मैं अभी इसमें बता रही हूँ। द फॉलोइंग बार चार्ट शो द रन स्क्वायर इन 6 ओवर। कितने स्क्वायर हैं इसमें? 6 ओवर में स्कोर बनाए गए बाउल्ड बाय अ स्पिनर इन अ क्रिकेट मैच। किसमें? क्रिकेट मैच में 6 ओवर में ये रन बनाए हुए हैं। तो आपको ये बार ग्राफ से देख के इसके आंसर्स आपको देने। हाउ मेनी रन्स वर स्कोर इन 2nd ओवर? तो यहाँ पे क्या है, इसमें कितने पूछे कि 2nd ओवर में कितने रन बने थे। तो 2nd ओवर क्या है, ये कितने रन बने? 8। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 8। तो 8 रन्स वर स्कोर्ड इन द 2nd ओवर। ओके, सेकंड है आपका, हाउ मेनी ओवर्स वर देयर इन विच नो रन्स वर स्कोर्ड? ऐसा कौन सा है जिसमें स्कोर नहीं हुआ, ऐसा कौन सा ओवर है जिसमें कोई स्कोर नहीं बना था? तो किसमें ये दिख रहा है आपको? 3rd वाला ओवर ब्लैंक है ना, तो इसमें आंसर लिखेंगे आप, तो इसमें आप लिखेंगे, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओनली 1 ओवर विच इज 3rd। ओनली 3rd ऐसा है ओवर जिसमें एक भी रन नहीं बना। तो ये हमारा क्या है, हाउ मेनी ओवर्स वर देयर इन विच नो रन्स, तो ये 2nd का आंसर है आपका। व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर इन द 6 ओवर? 6 ओवर में कितने रन बने हैं यहाँ पर देखेंगे आप, ये कितने रन बने हैं 6 ओवर में? 1। तो आप लिखेंगे 1, इसका आंसर क्या होगा आपका? 1। द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द 6 ओवर इज 1। ओके, हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड इन द एंड ऑफ 6 ओवर? तो कितने रन में ओवर हुआ है हमारा टोटल? 24 रन्स। इसका पूरा टोटल पूछा है, टोटल ओवर में कितने, एंड जो 6 ओवर हुआ है हमारा, तो टोटल कितने ओवर्स हमारे रन स्कोर हुए हैं? तो हमारे टोटल कितने हुए हैं? 24 रन्स वर स्कोर्ड इन द एंड ऑफ 6 ओवर। पूरा यहाँ से लिखेंगे आप इसके बाद, 24 के बाद, रन्स वर स्कोर्ड इन द एंड ऑफ 6 ओवर। इस तरीके से आपको आंसर देना है, चारों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। इसमें किस तरीके से देना है, लास्ट में आपका ये पूरा स्कोर पूछा, टोटल कितना हुआ है, तो इसमें कितने में 8, इसमें कितने किए थे 5, 8 और 5 को प्लस करेंगे। 3rd ब्लैंक कुछ नहीं किया इसमें, और 4th में कितना हुआ था 4, और 5 में आपका कितना हुआ था 6, और ये 1, तो इसको हम टोटल करेंगे तो पूरा 24 रन्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से इसको बार ग्राफ देख के आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन में और समझा रही हूँ सीख तरीके का बार ग्राफ का, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास ऑन वीक डेज अ पर्टिकुलर वीक। क्या है इसमें, बच्चों के स्टूडेंट जो प्रेजेंट हुए हैं, ये अटेंडेंस का है, बार ग्राफ बना हुआ है, तो इसको देख कर हमें क्या करना है, इसके आंसर्स देने। तो ऑन विच डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज मैक्सिमम, तो कौन से डे सबसे ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन से डे में प्रेजेंट हुए हैं बच्चे? वेडनेसडे। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? वेडनेसडे। इस तरीके से ये बार ग्राफ आपको देखकर और ये आंसर देने हैं इसके, वेड, WEDNESDAY, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज मैक्सिमम, इस तरीके से इसका आंसर पूरा आपको देना है। ऑन विच डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज ओनली 20, कौन से दिन सिर्फ 20 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं? तो आप ये बार ग्राफ देखेंगे, 20 क्या है, 20 के पास देखेंगे, 20 क्या है, इसका आंसर थर्सडे। आपको दिख रहा है ये बार ग्राफ शो, आपको दिख ये है, इसमें क्या पूछा है कि 20 कौन से डे 20 बच्चे प्रेजेंट हैं, तो कौन से डे? थर्सडे। तो आपको इसका आंसर लिखना है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज ओनली 20
ऑन थर्सडे। आप इस तरीके से इसका आंसर देंगे। व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ऑन मंडे? मंडे क्या टोटल इसकी स्ट्रेंथ थी? 40 स्टूडेंट्स। कितने सबसे ज्यादा मंडे? ये रहा मंडे, आप ये देखेंगे कितनी है मंडे की स्ट्रेंथ, 40। तो आप इसका आंसर 40। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ऑन मंडे 40। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन ट्यूजडे? ट्यूजडे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे? 35। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? देखिए ट्यूजडे, देखेंगे आप इसका कहाँ तक जा रहा है इसका बार ग्राफ, 35 तक। तो आप इसका आंसर 35 इस तरीके से आप देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन समझा दिए मैंने, कुछ नहीं करना, आपको बार ग्राफ देखना है और जो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें आपको इसका आंसर्स देने। ओके, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, इसमें 4 और 5 आपको होमवर्क में करना है। क्या करना है इसको होमवर्क में करना है, ये क्वेश्चन आपको, ये दिया हुआ बार ग्राफ, इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। ओके, आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास 10th स्टूडेंट अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स फॉर अ पर्टिकुलर वीक। ये क्या है? क्लास 10th के स्टूडेंट की अटेंडेंस है केमिस्ट्री प्रैक्टिस की। तो आपको इसको किस में बनाना है? बार ग्राफ में बनाना है। तो इसको किस तरीके से बार ग्राफ में बनाएंगे आप? इसको इस तरीके लिखेंगे आप, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे जिस तरीके से मैंने दिखाया था। बार ग्राफ आपने देखा ना, जीरो से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ होंगे डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक, और यहाँ पे क्या आएगा आपके? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो आपको इसमें किससे देना है? 5 से स्टार्ट करना है, 5, 10, 15, 20, 25। लास्ट नंबर आपका कहाँ है? 30। तो आपको कहाँ तक जाना है? ये 30 तक जाना है, 25, 30 लास्ट, और ये हमारा हो जाएगा 35 लास्ट। ओके, तो अब क्या है? मंडे, यहाँ मंडे लिखना है आपको नीचे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो किस तरीके से बताएंगे? मंडे में आपके कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? 25। तो आप क्या करेंगे? ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 25 तक जाएंगे, और ये ऐसे करके मंडे की कॉलम आपकी पूरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ आप बीच में भी लिख सकते हैं मंडे। ओके, नेक्स्ट क्या है? ट्यूसडे में 15। तो आप ट्यूसडे के कॉलम में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 15, ये रहा नंबर, इसको इतना करके 15 में आप इसको छोड़ देंगे, ये ट्यूसडे का हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? वेडनेसडे में कितने हैं? 10। तो वेडनेसडे आपका ये रहा, कहाँ तक जाना है? 10 तक जाना है। तो ये आपका वेडनेसडे हो गया। अब थर्सडे में कितने हैं? थर्सडे में भी आपके 10 है, तो थर्सडे का कॉलम ये रहा, आप थर्सडे में जाएंगे इसके 10 के बराबर ये रह जाएगा। फ्राइडे में कितने हैं आपके? 30। तो यहाँ फ्राइडे लिखा हुआ, आप कहाँ तक जाएंगे? इसके 30 तक जाएंगे। ऐसे आपको स्केल से इस लाइन बिल्कुल सीधी खींचनी है, ये हमारा 30 हो गया। और सैटरडे जो है हमारा कहाँ तक जाएगा? ये 15 तक जाएगा। तो इसको नीट एंड क्लीन बनाना है, मैं आपको इस कॉपी में दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये मैंने जो बार ग्राफ आपको बुक में बताया था, ये कॉपी में इस तरीके से मैंने शो कर दिया है। और यहाँ पे आपको लिखना है डेज ऑफ द वीक और नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग। तो ये बार ग्राफ आपका तैयार हो गया। ओके, तो ये आपको चैप्टर क्वेश्चन 9 भी आपको कॉपी में करना है, और इधर आपका क्वेश्चन है चैप्टर 10, और इधर है ये चैप्टर 11, क्वेश्चन 11। तो 10 और 11 भी आपको होमवर्क में करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस सिर्फ आपको आंसर देना हाउ मेनी इंडियंस वर प्रेजेंट। तो कितने स्टूडेंट इंडियन प्रेजेंट है? 500। तो आप लिखोगे 500 इंडियंस वर प्रेजेंट। ओके, ऐसे आंसर है। विच कंट्री हैज मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव? तो कितने कंट्रीज में मैक्सिमम रिप्रेजेंट है? मिनिमम कितने है? मिनिमम क्या होता है? कम से कम कितना कौन है? अमेरिका। और मैक्सिमम क्या? ज्यादा से ज्यादा हमारा इंडिया है। विच कंट्री हैव सेम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? सेम नंबर कौन सा है? चाइनीज एंड जापानीज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड समिट? तो कितने टोटल नंबर है इसका? तो क्या है, मिनिमम कम से कम होता है आपको कितना है? अमेरिका है। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कौन है? इंडिया है इसमें। विच कंट्री हैव नो सेम रिप्रेजेंटेटिव कौन है? चाइनीज और जापानीज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड? तो आपको क्या करना है? 500 इंडियंस है, 300 ये है, 300 ये है, तो कितने हो गए? 800, 900, 500, 300, 800 और 300 कितने हो गए? 1100, 1100 और 200, 1300। तो इसका आंसर हमारा 1300 होगा।
तो ये भी मैंने बता दिया है क्वेश्चंस, ये वाला आपको होमवर्क में करना है। इसी के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, और जो भी मैंने क्लास में करवाया है आपको वही प्रैक्टिस में करना है, और उसी में से ही आपका फाइनल पेपर आएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मार्च स्टार्ट हो चुका है और आपके फाइनल्स भी आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।